तो स्टार प्लस और कलर्स टीवी पर बहुत से शोज आए और गए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको स्टार प्लस और कलर्स टीवी पर लॉन्च होने वाले उन 10 अपकमिंग शोज के नाम बताने वाले हैं जो बहुत ही जल्द आपको स्टार प्लस और कलर्स टीवी पर लॉन्च होते दिखाई देने वाले हैं। तो कौन से हैं वो 10 शोज जो स्टार प्लस और कलर्स टीवी पर होंगे ऑन एयर, आइए वीडियो को देखते हैं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में पहले शो का नाम है सहादिवा सहमति। ये शो होगा कलर्स टीवी पर लॉन्च, जो कि ड्रीमियादा क्रिएशन प्रोडक्शन हाउस का शो होगा, जो कि रवि दुबे और सरगुन मेहता का प्रोडक्शन हाउस है। अगर बात करें इस प्रोडक्शन हाउस के शोज की, तो वो इससे पहले उडारिया और स्वरण घर जैसे पॉपुलर शोज को लॉन्च कर चुका है। फिलहाल हमें इस शो की न्यूज कलर्स टीवी के अपकमिंग शोज की लिस्ट में विकिपीडिया पर से मिली है। फिलहाल अभी ये शो प्री प्रोडक्शन में है और इसकी स्टार कास्ट के लिए ऑडिशन जारी है। जैसे इसके रिलेटेड कोई अपडेट सामने आती है, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में दूसरा शो है गुलखान के प्रोडक्शन हाउस का शो, जो के होगा स्टार प्लस पर लॉन्च, जिसका नाम होगा हाँ कबूल है। इसकी न्यूज हमें विकिपीडिया पर से गुलखान के अपकमिंग शोज की लिस्ट में मिली है। फिलहाल अभी ये शो प्री प्रोडक्शन में है और इसकी स्टार कास्ट के लिए ऑडिशन जारी है। जैसे इसके रिलेटेड कोई अपडेट सामने आती है, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में तीसरे शो का नाम है शेर दिल शेर गिल। ये शो होगा कलर्स टीवी पर लॉन्च, जिसमें हमें मनमीत शेरगिल और राजकुमार यादव की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलने वाली है, जिसका रोल सुरभि चंदना और धीरज दुपर प्ले करते हुए नजर आएंगे। अगर बात करें सुरभि चंदना की, तो वो इससे पहले इश्कबाज और नागिन सीजन 5 जैसे पॉपुलर शोज का हिस्सा रह चुकी हैं, जबकि धीरज दुपर इससे पहले ससुराल सिमर का और कुंडली भाग्य जैसे पॉपुलर शोज का हिस्सा रह चुके हैं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में चौथे शो का नाम है फालतू। ये शो होगा स्टार प्लस पर लॉन्च, जिसको प्रोड्यूस करेगा बॉयहुड प्रोडक्शन हाउस। अगर बात करें इस शो की स्टार कास्ट की, जिसकी फीमेल लीड के लिए निहारिका चौस्के को फाइनलाइज किया गया है, जो कि इससे पहले दिया और बाती हम और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे पॉपुलर शोज का हिस्सा रह चुकी हैं। अगर बात करें इस शो के मेन लीड की, जिसके लिए रणदीप राय और अभिषेक निगम जैसे पॉपुलर एक्टर्स को अप्रोच किया गया है, फिलहाल अभी इस शो का नाम फालतू है, जो कि आगे जाकर चेंज भी हो सकता है। जैसे इसके रिलेटेड कोई अपडेट सामने आती है, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में पांचवा शो है कोकरो एंड शायका एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस का शो, जो कि इससे पहले गुम है किसी के प्यार में और छोटी सरदारनी जैसे पॉपुलर शोज को लॉन्च कर चुका है। अगर बात करें इस शो की स्टार कास्ट की, जिसके मेल लीड के लिए क्रुशाल आहूजा को फाइनलाइज किया गया है, जो कि इससे पहले जी टीवी के पॉपुलर शो रिश्तों का माजहां जैसे पॉपुलर शोज का हिस्सा रह चुके हैं। फिलहाल अभी इस शो की फीमेल लीड की स्टार कास्ट के लिए ऑडिशन जारी है। इसकी स्टार कास्ट के रिलेटेड कोई अपडेट सामने आती है, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में छठे शो का नाम है बिग बॉस, जो के करेगा एक नए सीजन के साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वापसी, जिसका लास्ट सीजन तेजस्वी प्रकाश ने अपने नाम किया था। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में सातवें शो का नाम है झलक दिखला जा, जो के करेगा एक नए सीजन के साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वापसी और होगा 3 सितंबर को कलर्स टीवी पर लॉन्च, जिसके जजेस के लिए माधुरी दीक्षित, करण जौहर और नूरा फातेही को फाइनलाइज किया गया है। झलक दिखला जा के कंफर्म कंटेस्टेंट की कंप्लीट लिस्ट हमने एक अलग वीडियो में दे रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में आठवां शो है ड्रीमियादा क्रिएशन प्रोडक्शन हाउस का शो, जो कि होगा स्टार प्लस पर लॉन्च। ये प्रोडक्शन हाउस रवि दुबे और सरगुन मेहता का प्रोडक्शन हाउस है, जो कि इससे पहले उडारिया और स्वरण घर जैसे पॉपुलर शोज को लॉन्च कर चुका है। फिलहाल अभी ये शो प्री प्रोडक्शन में है और इसकी स्टार कास्ट के लिए ऑडिशन जारी है। जैसे इसके रिलेटेड कोई अपडेट सामने आती है, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में नवे शो का नाम है नजबलिए, जो के करेगा एक नए सीजन के साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वापसी और होगा स्टार प्लस पर लॉन्च, जिसका लास्ट सीजन प्रिंस नरूला और युविका चौधरी ने अपने नाम किया था। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में 10वें और आखिरी शो का नाम है कुबेरन हाउस स्टार्टअप का बाप। ये शो सोनी टीवी के शो शार्क टैंक इंडिया की तरह का एक रियलिटी शो होगा, जो कि कलर्स टीवी पर लॉन्च होगा। जैसे इसके रिलेटेड कोई अपडेट सामने आती है, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में कौन से शो को देखने के लिए आप हैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड, अपनी ओपिनियंस करें हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर।
इससे पहले हमने स्टार प्लस के लॉन्गेस्ट रनिंग शोज के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। ऐसी और मजीद अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।